अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। गुरु को कई लोग सुपर ह्यूमन समझते हैं और सोचते हैं कि हम लोगों को जो व्याधियाँ पकड़ती हैं गुरु उनसे अछूता है, इसलिए इस पैंडेमिक में भी उनसे व्यवहार में लोग उतने एहतियात की ज़रूरत नहीं समझते। देखिए, ये सचेतन जीवन शैली की बात है और इस अर्थ में मैं बहुत फॉर्चुनेट, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि जो लोग भी मुझसे प्रेम करते हैं, गुरु मानते हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत ध्यान रख। अभी देखिए, जो पैंडेमिक की बात उठी है, सारे लोग कितना एहतियात और ध्यान रख रहे हैं, तो वो बड़ा एक फॉर्चुनेट है, सौभाग्य का विषय है कि सारे लोग बहुत संवेदनशील हैं। वो जानते हैं हमको कितने डिस्टेंसिंग, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज के मुकाम पर ये बहुत सुंदर ढंग से मेरे आसपास के लोगों में घटता हुआ मैं देख रहा हूँ, बहुत सचेतन ढंग से। ये उनके विकास का ही एक परिणाम है। वो सुपर ह्यूमन मानते हैं या क्या मानते हैं, ये अलग विषय। प्रेम अक्सर हमको सुपर ह्यूमन बना देता है, तो सुपर ह्यूमन में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुपर ह्यूमन को रिडिफाइन करने की ज़रूरत है। सुपर ह्यूमन का मतलब नहीं है कि वो जो हॉलीवुड की सारी मूवीज हैं सुपर ह्यूमन वाली जो दिखाई जाती हैं उस स्टाइल का कुछ काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ लोग बेशक मान सकते हैं गुरु को, और देखिए, गुरु को जब तक हम मानवीय मानेंगे, इंसान मानेंगे, अपने बीच का व्यक्ति मानेंगे, तभी तक वो हमें लाभ भी देगा, हमारे काम का भी होगा। जिस दिन हम उसको मानवीय मानना बंद कर देंगे तो न प्रेम होगा, न वहाँ संवेदना होगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब हम सुपर ह्यूमन मानेंगे तो क्या होगा, गुरु हमारे लिए उपयोगिता का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और गुरु ने हमें सिखाया क्या था कि उपयोगिता की दृष्टि से ही हमको बाहर होना है, लेकिन हमारे लिए अगर गुरु ही उपयोगिता का ऑब्जेक्ट बन गया है तो फिर ये तो मामला अटक गया। सुपर ह्यूमन से यही तो हमारी आकांक्षा है कि उसके पास कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ हैं, उस अतिरिक्त शक्तियों के उपयोग से वो कुछ अलग चीजें कर देगा। अब अतिरिक्त शक्तियों की भी अगर बात करें तो यहां पर भी बात हमको समझनी पड़ेगी। वो अतिरिक्त शक्तियां वैसी नहीं होती हैं जैसी हम समझते हैं, लेकिन क्या होता ही नहीं कुछ है, तो यहां भी बात ऐसी नहीं है कि बहुत कुछ होता है। वो गुरु एक ऐसे रहस्य में रहता है जहां पर तमाम शक्तियां आंदोलित होती, तमाम रहस्य आंदोलित होते हैं, यानी कि वाइब्रेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुसार होता है, ऐसा नहीं। जो शरीर मन उस समग्रता से, उस स्रोत से लयबद्ध होकर जी रहा है, तो वो उस स्रोत की समग्रता, उस स्रोत की सारी रहस्यमयता उससे भी तो आपूरित है, लेकिन वो रहस्य क्या है इसे भी तो हम नहीं जानते। पहले तो हमें उसे जानना पड़ेगा। तो जो प्रश्न पूछा है वो दौर में अतीत में बहुत जी चुका हूं, सुपर ह्यूमन वाला। अब लोगों ने गुरु मान लिया तो वो मानते हैं कि वाह, आप तो हर चीज से परे हैं, ना आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आपको दर्द होता है, ना आपको कोई परेशानी होती है, कुछ नहीं होता। तो इसका परिणाम क्या होता है, आप कोई भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं। उस शरीर मन के साथ आप कोई भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि हां, मैं आपके लिए हूं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ये तो मैं हमेशा कहता हूं और हूं भी, ऐसा नहीं कि नहीं हूं, लेकिन इसका परिणाम आप क्या करेंगे। अब मेरे आसपास इतने समझदार लोग हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बहुत सौभाग्य का धरातल अब निर्मित हो गया, लेकिन अतीत में मैं सब देख चुका हूँ। अगर मैंने ये कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, तो इसका मतलब क्या है, तुम रात के 2 बजे घंटी बजाओगे
सुबह 4 बजे घंटी बजाओगे, तुम्हें जरा से भी कुलबुलाहट हुई, रात में नींद नहीं आ रही थी, गुरुजी से पूछ लेते हैं 3 बज गया गुरुजी नींद नहीं आ रही हमको। अब गुरुजी को 3 बजे यानी कि वो सो रहे होंगे कि नहीं, नहीं वो काहे को सो रहे होंगे, कृष्ण ने कहा है कि जब संसार सोता है तो योगी जागता है, वो तो परम जागृत है तो वो काहे को सोएंगे, और उनको सोने की जरूरत है क्या, बजा दो 3 बजे घंटे। इन्हीं सब चीजों का परिणाम अपना अपना होता है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीने लगता है ना, तो प्रैक्टिकल ये दुष्परिणाम होते हैं इसका, हालांकि खामियाजा कई लोग उठाते हैं। तो अब उसका परिणाम क्या हुआ कि मेरा नंबर किसी के पास होता ही नहीं, मैं किसी को नंबर देता नहीं, यानी कोई मुझे कॉल मिला है, 2-4 जो क्लोज लोग हैं बस उनके सिवा कॉल मिलाकर कोई बात नहीं कर सकता। आपको कॉल करनी होती तो बड़ा चैनल पार करके आना पड़ता है, मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे के फोन नहीं सुने, या हमने वो घंटियां बेवक्त की सुनकर लोगों को एंटरटेन नहीं किया है। और उसका जो लोगों का तुर्रा होता था, तेवर होता था कि आप तो सुपर ह्यूमन है, कल्याण के लिए आपने अवतार लिया है। अब मान लीजिए मेरे लंच का वक्त हो गया, आकर कोई बैठा हुआ है, तो उसको ये फिक्र ही नहीं होती थी कि इनका लंच का भी कोई टाइम होता है, वह है उसको सत्संग करना है, सत्संग चल रहा है। तमाम ऐसे मौके होते थे मैं लंच नहीं करता था, जो मेरे आसपास के लोग हैं सब लव्ड वन है वो नाराज भी होते थे, मुझे लगता था चलो आया है इतनी इसके अंदर बेचैनी है इसको सुन लेते हैं। लेकिन जब ये अतिरेक में हो जाता है तो सब बंद हो जाता है, तो इसलिए बंद हो गया। फिलहाल इसके किस्से तो इतने अनगिनत हैं, बड़े रोचक रोचक किस्से हैं, उस पर सुनाएंगे कभी विस्तार से। लेकिन अभी के दौर में बहुत सारे लोग ऐसा अमानवीय व्यवहार बेशक करेंगे, लेकिन इस समय मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं। ये बस सुंदर शुभ है। और हाँ, छाया पूछ रहे हैं कि आप इतने इजीली अवेलेबल हुआ करते थे, एक वक्त था 25 साल से ज़्यादा से लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, कोई आज का वक्त नहीं है। बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखिए। आप गुरु के पास अपनी समस्या लेके जाइए तो क्या है ना कि 99 समस्याएं तो पहले ही सॉल्व कर लीजिए। जब 99 समस्याएं सॉल्व हो जाएं और 100वीं अटकी हो तो आए तो उसकी कोई बात भी बनती है। जब आप इजीली अवेलेबल करा देते हैं तो लोग किसी भी बात पे चले आते हैं, कोई भी उनकी हम कहें पूछो प्रश्न, तो उनका प्रश्न कुछ भी पूछने का हो जाएगा, कुछ भी प्रश्न। हमने ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब दिए हैं और रिकॉर्ड में भी कहीं पड़े होंगे, हालांकि वो अपलोड तो नहीं होंगे, लोग उसको समझदारी से एडिट करते हैं। कुछ भी लोग पूछ लेते थे मुझसे और मैं सोचता था कि चलो भाई परेशान है इसकी बात सुन लेते हैं। गुरु जी बाल नहीं उभरे हमारे, गुरु जी 3 दिन से पॉटी नहीं गए, कोई भी लेवल किसी भी चीज का, तमाम चीजें देखी हुई। घर में कोई बीमार पड़ा है, ठीक करिए इसको, खुद बीमार पड़े तो भी फोन, अब ये वाली चीज ठीक कर दीजिए। तो अक्सर मैं समझ आता, कुछ लोग थोड़े क्लेवर हो गए थे मेरी बातें सुन के, उनको लगता था हम सीधे सीधे कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करते। तो किस्सा पूरा वही कहेंगे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया है, उस किस्सा सुनाएंगे। उम्मीद ये कि अब गुरुजी वहां बैठकर कोई रिमोट दबाएंगे, और रिमोट क्योंकि सुपर ह्यूमन है रिमोट तो होना ही चाहिए उनके पास, और अगर रिमोट नहीं है तो गुरु का है क्या, मतलब ये भी नहीं कर सकते हमारा पेट दर्द नहीं ठीक कर सकते, हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक कर सकते, हमारा ये नहीं कि वो नहीं, तो काहे के गुरु, कोई सिद्धि विद्धि आई कि नहीं, तो तमाम बाबा लोग बैठे हैं सब कर रहे हैं ना काम, तो जैसी डिमांड वैसी सप्लाई वाले लोग हैं ही बहुत सारे, तो हमने भी वो सारे वक्त देखे। नाउ होपफुली इट इज़ ओवर,
और व्यवस्था एक नई बन चुकी है, तो चलता है सब। इस समय बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है। Thank you.